22 दिसंबर यानी राष्ट्रीय गणित दिवस। इस दिन को उस गणितज्ञ के सम्मान में मनाया जाता है जिसने अनंत की खोज की। एक ऐसे गणितज्ञ का जन्मदिन जिसने महज 32 साल के जीवन में गणित की 4000 से ज्यादा ऐसी प्रमेय यानी थ्योरम पर रिसर्च की जिन्हें समझने में दुनिया भर के गणितज्ञों को भी सालों लगे। यहाँ तक कि उनकी मॉक थीटा फंक्शन को 2012 में प्रोफेसर केन ओनो ने सही ठहराया, जो ब्रिटेन की सबसे प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का सबसे कम उम्र का फेलो यानी साथी बना। हम बात कर रहे हैं महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की। चलिए इस वीडियो में हम दो टॉपिक पर बात करते हैं। पहला, अनंत की खोज करने वाले गणितज्ञ की, जो 12वीं में 2 बार फेल हुए लेकिन उनका फॉर्मूला समझने में सालों लग गए। और दूसरा, दुनिया की सबसे चर्चित राइफल AK-47 के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सकें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु उस वक्त के मद्रास में हुआ था। रामानुजन, जिन्हें गणित के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं था, वे 11वीं में गणित को छोड़ बाकी सभी विषयों में फेल हो गए। अगले साल प्राइवेट परीक्षा देकर भी 12वीं पास नहीं कर पाए। जिस स्कूल में वो 12वीं में 2 बार फेल हुए, आज उसका नाम रामानुजन के नाम पर है। 12वीं के बाद घर चलाने के लिए उन्होंने मद्रास पोर्ट कोर्ट में क्लर्क की नौकरी की, लेकिन वहाँ भी गणित के फॉर्मूले ही गढ़ते रहे। करीब साल भर की नौकरी के दौरान सैकड़ों फॉर्मूले एक रजिस्टर में लिख डाले। 16 साल की उम्र में जानकी अम्माल से शादी हो गई, मगर गणित से प्यार तब भी कम नहीं हुआ। इसी बीच लेटर के जरिए कुछ फॉर्मूले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर G.H. हार्डी को भेजे। हार्डी उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने रामानुजन को लंदन बुला लिया, उनके मेंटर यानी गुरु बने। दोनों ने मिलकर गणित के कई रिसर्च पेपर पब्लिश किए। उनके रिसर्च को अंग्रेजों ने भी सम्मान दिया। उन्हें रॉयल सोसाइटी में भी जगह मिली। वो ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय बने। लेकिन रामानुजन को लंदन की आबोहवा रास नहीं आई और उन्हें भारत लौटना पड़ा। उन्हें टीबी हो गया और 1 साल की बीमारी के बाद अप्रैल 1920 में उनका निधन हो गया। दुनिया को अपनी गणित से प्रभावित करने वाले रामानुजन को मौत के बाद भी अपने ही लोगों के तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उनकी मृत्यु के बाद पंडितों ने मुखाग्नि यानी सबसे पहले किसी के द्वारा चिता को दी जाने वाली अग्नि देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने समुद्री यात्रा से लौटने के बाद प्रायश्चित के लिए रामेश्वरम की यात्रा नहीं की थी। 2015 में रामानुजन के जीवन पर द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म भी बनी। फिल्म में देव पटेल ने उनका किरदार निभाया था। ये फिल्म रॉबर्ट कैनिगल की किताब द मैन हु न्यू इन्फिनिटी अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन पर आधारित था। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक AK-47 के बारे में। AK-47 दुनिया में शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली राइफल है। दुनिया भर में AK-47 के करीब 10 करोड़ अलग अलग वर्जन यूज हो चुके हैं। इसे बनाने वाले मिखाइल कलाश्निकोव का निधन 2013 में हुआ था। वे 1919 में सोवियत संघ के कोरिया में पैदा हुए थे। मशीनों से इतना प्यार था कि सेना में टैंक मैकेनिक के तौर पर भर्ती हुए। एक और शौक था कविता लिखने का। कलाश्निकोव ने जीवन भर कविताएं लिखी। उनकी कविताएं 6 किताबों की शक्ल में भी छपी है। बचपन में ही कलाश्निकोव और उनके परिवार को कोरिया से सर्बिया डिपोर्ट कर दिया गया था। कलाश्निकोव जब 7वीं में पढ़ते थे तो वो करीब 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर वापस अपने घर कोरिया आ गए थे। महज 19 साल की उम्र में रूसी सेना में शामिल हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जून 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में सोवियत संघ के 88 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए। कलाश्निकोव के टैंक में भी आग लगी। वे बुरी तरह घायल हुए।
चोट से रिकवरी के दौरान हथियार बनाने का काम करने लगे। 1947 में महज 28 साल की उम्र में उन्होंने ऑटोमेटिक कलाश्निकोव 47 यानी AK-47 बनाई। ऑटोमेटिक का मतलब स्वचालित और कलाश्निकोव इसे बनाने वाले मिखाइल कलाश्निकोव के नाम पर था। ये बंदूक 1947 में बनाई गई थी, इसलिए नाम के अंत में 47 लगा दिया गया। कहते हैं कि इस राइफल की सबसे बड़ी खासियत इसकी सिंपलिसिटी है। ये इजी टू यूज, इजी टू रिपेयर, इजी टू मेंटेन राइफल है। इसकी इफेक्टिवनेस इसी से पता चलता है कि फुल ऑटोमेटिक सेटिंग पर इस राइफल से 1 मिनट में 600 राउंड फायर किए जा सकते हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव में कलाश्निकोव ने कहा था कि अगर उन्हें दोबारा कुछ बनाने का मौका मिलेगा तो वो इससे कम खतरनाक चीज बनाना चाहेंगे, जैसे किसानों के लिए घास काटने की मशीन। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि आपके बनाए हथियार से हजारों लोगों की जान जाती है, ये सोचकर आपको नींद कैसे आती है, तो उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया कि मैं बहुत अच्छे से सोता हूँ, धन्यवाद। So, ये था इस वीडियो का दो टॉपिक, एक गणितज्ञ रामानुजन के बारे में और दूसरा AK-47 बनाने वाले कलाश्निकोव के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।